सीतामढ़ी जिला कलेक्टर श्री रंजीत कुमार सिंह हुए सख्त। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को चेतावनी के बाद ये कठोर कार्यवाही करवाई। सीतामढ़ी के जिला अधिकारी ने जिले के दो अहम विभागों में दिए निलंबन का आदेश, जहां शिक्षा विभाग के दो कर्मचारी लक्ष्मण और सुशांत कुमार के निलंबन का आदेश जारी हुआ। स्वीकृत करने के लिए अंचलाधिकारी को सूचित करने के आदेश दिया गया। वहाँ से स्वीकृत होने के बाद अंचलाधिकारी के पास आया, फिर भी जो है कि चार मोटर करते करते दो साल से चक्कर कटा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। बच्चा को 6 किलोमीटर पढ़ने जाना पड़ता है, जो कि हाई नेशनल रोड है। भूमि न मिलने के कारण बच्चा जो है कि रोड पर आकर घुटना का शिकार होना पड़ता है, जो कि स्कूल अभी मरने की स्थिति पर आ गया है। स्कूल बंद करने के लिए सरकार से बार बार आदेश दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई लेने के लिए अंचलाधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग से आदेश मिलता है कि जब तक स्वीकृत जमीन करके अंचलाधिकारी नहीं देंगे, जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय द्वारा पुनः इसी कार्यालय में बैठक करते हुए पदस्थापन कर दिया गया। इसी के अगेंस्ट में जिलाधिकारी महोदय द्वारा रिक्वेस्ट आयोजित किया गया है कि इस कार्यालय में यहाँ रहना कानून के विरुद्ध है। कितने दिनों से काम कर रहे थे ये लोग यहाँ? वो लगभग यहाँ 13-14 सालों से। जबकि ट्रांसफर बीच में हुआ था, ट्रांसफर बीच में हुआ था तो स्थगित भी हुआ था। वहीं डुमरा जो सीतामढ़ी का मुख्यालय है, वहां के सीओ यानी अंचल अधिकारी समीर कुमार के निलंबन की भी कार्यवाही की गई है। डुमरा अंचल अधिकारी समीर कुमार पे कार्य में लापरवाही और बिना बताए ऑफिस से गायब हो जाने के कारण की गई। जिला अधिकारी ने हमें बताया कि डुमरा सीओ को बार बार सोपस करने के बाद भी डिस्पोजल नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, काल में बहुत सी चिंता रही थी, बिना बताए गायब होने की प्रवृत्ति थी। इन सब को देखते हुए उसको पदच्युत करते हुए हमने सस्पेंशन का रिकमेंडेशन दिया है और दूसरे को चार्ज दे दिया है। यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो जिनको काम करना है वो सीतामढ़ी में अच्छे से काम करे, अदरवाइज सीतामढ़ी छोड़ दे। भू राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जहाँ पर सरकार को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है, उसके बाद भी पूरे ज़िले में वही हालत है कि समय पर दाखिल खारिज नहीं होता है, समय पर रसीद नहीं मिलता है, यहाँ तक कि रसीद कटाने के लिए लोगों को दर बदर भटकना पड़ता है। आपका कहना सही भी है, क्योंकि कई बार जो है कुछ सीईओ हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ सीईओ ऐसे हैं जिनका काम कार्यशैली जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, समय पर डिस्पोजल नहीं होता है। ये भी है कि हमारे पास हैंड कम होते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो समय पर डिस्पोजल कर सकते हैं। अगर डुमरा की बात करें तो लगभग 4000 जितना जो है दाखिल खारिज बचा हुआ है, सालों से पेंडिंग है, लेकिन बार बार चेतावनी के बाद भी उनके कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कार्रवाई की है। बाकी सीईओ को भी चेतावनी दी है। आप सबको पता है कि 13 सीईओ का हमने वेतन भी रोक रखा है, अगर उन्होंने अपना काम समय से नहीं किया तो उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।